फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक सीड्स का रह गया है और वैल्यू एडिशन का भी है, ठीक है? तो सीड्स और वैल्यू एडिशन का हम लोग कल करेंगे, है ना? वाटर मैनेजमेंट, हाँ वो भी कल करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना आपका न्यूट्रिशन वगैरह जो बायोडाइवर्सिटी का और न्यूट्रिशनल सॉइल, हाँ कंप्लीट कंप्लीट सॉइल का एक क्वेश्चन है, वाटर का, वाटर का पीएच जैसा इसका सुधारेंगे ना पीएच, वैसे ही पानी का भी सुधरेगा, ठीक है? उसका भी अगर एल्कलाइन पानी हुआ तो 10,000 लीटर वाटर में 1 लीटर हम काउ यूरिन ऐड करेंगे, अगर एसिडिक पानी हुआ तो 10,000 लीटर पानी में 1 किलो लाइम ऐड करेंगे और फिर पानी को सप्लाई चेन में डालेंगे ऐसा। वाटर को स्टोर करके फिर हाँ वाटर को स्टोर करना ही पड़ेगा अगर वाटर बॉडी का पीएच वैल्यू गड़बड़ है तो, क्योंकि वाटर बॉडी में आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो कैलकुलेशन ही कभी नहीं बैठेगा और फिर आपको क्या क्या यूज के लिए वो पानी देना वो भी डिपेंड करेगा ना, तो आपको एक स्टॉक टैंक बनाना पड़ेगा उसके। टैंक कैपेसिटी 10,000 लीटर, हाँ डिपेंड ऑन फार्म एरिया ना, कितना बड़ा फार्म है आपका। 1 एकर के लिए तो 10,000 लीटर का ही नाम है। So, 10,000 लीटर वाटर में 1 kg 1 लीटर हमें काउ यूरिन देगा और 10,000 वाटर में 1 kg लाइम लेगा, ठीक है? एसिटिक होगा तो लाइम लेना है, एल्कलाइन होगा तो यूरिन लेना है, ऐसे फिर 10,000 लीटर वाटर में उसको डिजोल्व करके और फिर सप्लाई में आप दे दीजिए, ऐसे करना, ठीक है? यूरिन कितना? 1 लीटर। तो ये एक टॉपिक है। फिर उसके बाद जो है ना आपका एक बायोडायवर्सिटी का टॉपिक है, कैसे हम अपने फार्म पे अपने फार्म को प्रॉपर डिजाइन दें, क्योंकि अभी जितना भी हमने पूरा स्टडी किया है लास्ट 15 ईयर में और जो भी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया ये 1% है केवल, ओनली 1%, ठीक है? अभी 99% और भी है एग्रीकल्चर, ठीक है? और जब ये पूरा 99 आपके पास होगा, मतलब जब 100 होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि दिस इज राइट इंडस्ट्री और इसमें ऐसे हम एस्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास एक दिन है, सो एक दिन में हम आपके आपके लिए जो मेन टॉपिक है बराबर ना, जिससे आपका पूरा एग्रीकल्चर एक प्लेटफॉर्म पे आने वाला है ना, पूरा ट्रैक पे आने वाला, कैसे उसको प्रॉपर हमें एक सजावट देनी, एक ढांचा देना है, क्योंकि ढांचा बनाना जरूरी है। देखिए आपको अगर कोई चीज बेचनी है, फॉर एग्जांपल आपको मॉल में 1,000 टाइप का प्रोडक्ट बेचना है तो पहले मॉल तो बना लो बराबर ना, तो मॉल आपका बनाना, उसका डिजाइनिंग, उसका है ना प्रॉपर उसका डेकोरम वो सब हम कर ले पहले, फिर हम उसमें जो भी है प्रोडक्ट रखते जाएंगे, रेंज बढ़ाते जाएंगे ऐसे। तो ये जो फ्रेमिंग वाला काम है ना वो हम कल आपको बताएंगे। सो कल का दिन आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है कि इसमें आपको कल वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको अभी तक कहीं नहीं मिली होंगी और ना ही शायद मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि इस पे जो हमने अलग विजन के साथ जो सोच के साथ काम किया वो सोच सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है जी, ठीक है? हो सकता आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमने सोचा है, जो हमने एग्रीकल्चर को जितना डेप्थ में जाके समझा है, जो सिचुएशंस हमारे साथ हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने इस एग्रीकल्चर को वैसे ढांचे में प्लान किया है कि अगर ये ढांचे के साथ हम एग्रीकल्चर को करेंगे तो 100% ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है, 1% भी, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है? और अच्छा खासा हम अपने फार्म से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अभी हम 25 एकर के आसपास में फार्मिंग करते हैं खुद और 25 एकर से हम अराउंड 50-60 lakh के आसपास का टर्नओवर हम एवरी ईयर आराम से कर लेते हैं, ठीक है? और वो भी इतना ट्रैवलिंग और ये सब करने के बाद भी। अभी आप देख रहे हैं हम कितना अपने फार्म के लिए टाइम दे रहे हैं, जितना अभी हम आपके साथ में इतना एवरी डे हम कहीं ना कहीं किसी के साथ में होते हैं। तो मतलब जो है ना हम मैक्सिमम अगर हम घंटे में कैलकुलेट करें तो अपने फार्म पे मुश्किल से मुश्किल एक महीने में 10 घंटे या 20 घंटे का ही टाइम दे पाते हैं, मतलब एक दिन हुआ टोटल मिला के।
और इतना टाइम देने के बाद हम इतना रेवेन्यू अपना सेट कर ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सेटअप प्लान कर दिया। अब वो सेटअप जो है ना रन चल रहा है ना, सेटअप चल रहा है, व्यवस्था चल रही है ऑटोमेटिक। वैसे ही आपको करना है, इधर मार्केटिंग चल रही, उधर पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट, ये वो सब सीट सब सेट है, वो व्यवस्था, वो व्यवस्था एक बार सेट कर दी ना, फिर आपका आराम से सेटअप चलता रहता है। पर प्रोडक्टिविटी पे हमें फोकस करना ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी कुदरत को जितना दे रहा वो लेंगे हम, है ना, उसमें कोई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं हमको इतना चाहिए, ये डाल दें वो डाल दें, ये सब झमेला छोड़ दीजिए आप। कुदरत की जो सेटिंग है ना, वो ही सेटिंग में जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। अब पैसा और कहाँ बन सकता है, वो प्लान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने किया है, आराम से हम 40-45 लाख रुपए सबको सैलरी ये वो सब बांट बूट के आराम से बचाते हैं। हम अपने परिवार के लिए 4-5 लाख रुपए निकालते हैं उसमें से अपना खर्चा के लिए, बाकी सारा हम जो है ना फार्मिंग के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के फायदे के लिए, अलग अलग कामों में रिसर्च के लिए लगाते रहते हैं। सो अभी रिसेंटली हमने जो है ना एक 20 लाख रुपए का एक लाइब्रेरी प्लान किया है, ठीक है, और वो लाइब्रेरी जो है ना बन गया है बराबर ना। सो उसमें अब हमें थोड़ा सा वर्क और है, और ये 20 सितंबर को सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसका इनॉग्रेशन करेंगे। वो लाइब्रेरी के अंदर हमने 10,000 ओल्ड जो हमारा भारतीय एग्रीकल्चर है उसका पूरा मतलब संकलन करके इकट्ठा करके उसको सीरियल वाइज और उसको पूरा किस काल में कैसे एग्रीकल्चर होती थी उसका पूरा बायोडाटा वो लाइब्रेरी के अंदर रखा है। ये भारत की पहली लाइब्रेरी होगी जिसमें मतलब हम एक साथ अपनी पूरी भारत की एग्रीकल्चर को स्टडी करेंगे, है ना। सो नॉट ओनली वन फार्मूला, हमारे देश में 10,000 साल पहले क्या बीज थे, कैसे एग्रीकल्चर होती थी, लोगों ने क्या स्टडी किया, कैसे वो अंदाजा लगाते थे कि अब बारिश होने वाली है, कैसे वो अंदाजा लगा लेते थे कि ये डिसीज आने वाला है, अगर आ गया तो उसका क्या क्योरिंग था, ये सब बहुत अलग अलग कालखंड में लोगों ने फार्मूले बनाए, स्टडी किया, पर हम तक हमें पता ही नहीं है कि तो इस पे हमने 15 साल पूरा देश का दुनिया का भ्रमण करके जो संकलन किया है 1,000+ बुक्स के साथ में वो लाइब्रेरी शुरू हो। तो ऐसे बहुत सारे हम काम करते रहते हैं। अभी एक म्यूजियम का कमिंग प्लान है, म्यूजियम बनाएंगे, उसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में एग्रीकल्चर होता था वो सब करें, ऐसे बहुत सारे हम करते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम, है ना। ये सब काम खेती के मतलब खेती को परिपूर्ण बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आएगा वो देखेगा एक साथ में, अरे ये वाग्भट्ट का है ग्रंथ, ये आचार्य सुरपाल का ग्रंथ है, ये फलाने फलाने खाग का ग्रंथ है, ऋषि खाग हुए एक हमारे करीब 2000 साल पुरानी बात है ये, उनके पास इतनी जबरदस्त कला थी कि अगर वो किसी पेड़ के पास बैठ जाएं तो वो बारिश करा देते थे गारंटी के साथ। अगर उनको चाहिए कि बारिश हो नहीं रही है तो उनको पेड़ के पास बैठ के वो कुछ तो भी फार्मूला है वो ग्रंथ के अंदर है आपको स्टडी करने को मिलेगा, वो पेड़ के पास बैठ के वो फार्मूला लगा के पेड़ से इंस्टेंट रिक्वेस्ट करते थे कि गिराओ पानी हमको चाहिए, पानी गिराता था। इतने सॉलिड फार्मूले और भी प्रैक्टिकल, तो हम कहाँ पढ़े हुए हैं अभी मॉडर्न साइंस में। हम थोड़ा झान के तो देखें हमारा अपना एग्रीकल्चर कितना स्ट्रांग रहा है। भारत को ऐसे विश्वगुरु नहीं कहा गया होगा ना, उस समय हमारे पास रुपए नहीं थे, राइट, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर हम समृद्ध थे और विश्वगुरु थे, तो कुछ तो होगा, वो हमें खोजने की जरूरत है। तो इस दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं, कैसे हम भारत को वापस जो है ना गौरव दिलाएंगे, तो ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको मतलब 3 साल आप दीजिए, ओनली 3 ईयर, ये बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा। जो प्लान हम आपको देंगे पर वही प्लान पे आपको चलना है, इधर उधर नहीं भटकना, इधर उधर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि वो ट्रैक ऑलरेडी सेट है और प्रैक्टिकल है, उस पे ही आप चलिए, आपका धंधा सेट हो जाए। बहुत काम है इसके अंदर, पूरे दुनिया में अच्छे फूड की जरूरत है, जिस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ है ना, उस तरह से ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता चल गया है कि अब हम मेडिसिन खा के जिंदा नहीं रह सकते, करेक्ट ना, हर व्यक्ति को पता है ये। तो अब क्या खा के जिंदा रहेंगे या क्या खा के हम और ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, वो है फूड। अब फूड को भी पेट भरने के लिए नहीं, ऐसा फूड बनाना है हमें जो इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव कर दे, जो इंसान को 100 साल जीने पर मजबूर कर दे। हम ऐसा फूड सोसाइटी के बीच लेके जाए, फिर देखिए आप कहाँ जाएगी ये इंडस्ट्री।
तो इसमें कितना काम है, बहुत काम है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे। खैर अभी हम गायों को लेकर बात करते हैं। गायों को लेकर जो मिसस्टैंडिंग हो रही है हमारे कंट्री में या जो गलतियां हो रही है उनके विहाप में हमने जो स्टडी किया है वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो ये है कि गाय को देसी रखना कितना जरूरी है, भारतीय गाय को रखना कितना जरूरी है, ये उतना जरूरी है जितना जरूरी हम किसी भी साइंस को मानते हैं। जैसे हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मच्छर काटता है, ये साइंस है, किसी को भी जगा सकता है, ये प्रैक्टिकल है। सांप किसी को काटे पॉइजन देगा मर सकता है, ये साइंस है, ये प्रैक्टिकल है, करेक्ट। मधुमक्खी हनी बनाती है, ये साइंस है, ये प्रैक्टिकल है। ऐसे ही गाय के पास सूर्य केतु नाड़ी होती है, ये उसका साइंस है। ये कुदरत ने केवल गाय को ही दिया है, किसी को नहीं दिया, हमको नहीं दिया, आपको नहीं दिया, किसी भी जानवर को नहीं दिया, है ना। इस धरती पर कितने सारे एनिमल है, बफेलो भी है जी, है ना, जो है सुअर भी है, हिरन भी है, नीलगाय भी है, कितने सारे जानवर है, ऊंट जो मिल के देते हैं, गोट भी है, पर उसके ही पास सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए भगवान ने उसकी पूजा की। क्योंकि ये सृष्टि जो है ना, मतलब कुछ सिद्धांतों पर चल रही है और उन सिद्धांतों में सबको ही आता है, ये सृष्टि को बनाने वाला भी सिद्धांतों में आता है, समझ रहे ना बात, सिद्धांतों में सबको ही आएगा, क्योंकि यहां पर जीना है तो सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, है ना। अगर हमें जीना है भोजन पानी और हवा लेनी पड़ेगी। आप अगर ठान लें कि हम बिना भोजन पानी हवा के जिंदा रह जाएं तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, भले ही ये संसार आपने ही बनाया हो, समझ रहे ना बात। तो ये कुछ कांस्टेंट सिद्धांतों पर संसार चल रहा है और कांस्टेंट सिद्धांत ये है कि गाय के पास सूर्य केतु नाड़ी है, ये भगवान ने केवल उसी के पास दिया हुआ है। अब उसके पास दिया, अब जैसे मान के चलो रावण को इतना विद्वान ऊपर वाले ने बनाया था, तो भगवान ने पूजा उससे ही करवाया, भगवान ने भी पूजा उससे करवाया, क्योंकि अब ठीक है भाई, सिद्धांत तो सिद्धांत है, अगर वो विद्वान है तो मानना पड़ेगा उसकी बात को। ऐसे ही जो है ना, कुदरत ने गाय को सूर्य केतु नाड़ी दी, और ये सूर्य केतु नाड़ी का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, है ना, सूरज में जो करंट है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना और फिर उसको गोबर, यूरिन और मिल्क में डाइवर्ट करना। ये साइंस है, इसे स्वीकार कर लीजिए, इसमें बहुत सारी पीएचडियां हो चुकी है, बहुत सारी हो रही है, रनिंग में है, करेक्ट। तो ये जो साइंस है ये यूनिक है, ये कुदरती है, ये हमने आपने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये जो सनलाइट होती है, जैसे सोलर पैनल डिवाइस है, हम सूरज की रोशनी में रखते हैं, वो क्या करती है, सूरज को करंट में डाइवर्ट कर देती है, फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उससे चला लीजिए। ऐसे ही जो है ना, सूरज की रोशनी में आते ही या बिना आए गाय सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर रखती है। अब उसने जो सनलाइट एब्जॉर्ब की, एटॉमिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया, वही एनर्जी वो अपने यूरिन में निकाल देती है, क्योंकि वो स्टोर तो नहीं रख सकती ना, ठीक है। कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चरर हो रही है तो ऑब्वियसली है, हम उसको मतलब डाइवर्ट करेंगे, निकालेंगे, यूज करेंगे। ऐसे ही गाय जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो यूरिन के माध्यम से वापस कर देती है, गोबर के माध्यम से वापस कर देती है, दूध के माध्यम से वापस कर देती है। अब इसको हम प्रमाणित करने जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। गाय का दूध हमेशा गोल्डन कलर का होता है, किधर से आया गोल्डन कलर, और किसी जानवर के मिल्क का कलर तो येलो नहीं होता है, गाय का ही क्यों होता है, क्यों, क्योंकि गाय में जो सूर्य केतु नाड़ी है वो करंट जो सूरज का है वो गोल्डन कलर यूरिन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से और गोबर के माध्यम से आता है। अब जो यूरिन में करंट आया उससे आप बहुत सारी डिसीज खत्म कर सकते हैं, गोबर में जो करंट आया उससे आप खेती के बैक्टीरिया को एनर्जी दे सकते हैं, और जो मिल्क में करंट आया उससे हम खुद अपनी बॉडी के अंदर करंट ले सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, आप इसका यूज करिए और धरती पर होने का इसका फायदा उठाइए। सो देसी गाय होना बहुत जरूरी है। अब हम इसे कैसे पालें, देसी गाय से अच्छा मिल्क कैसे लें, है ना, उसका अच्छा परफॉर्मेंस कैसे लें, तो इसके लिए क्या करना आपको, पहले तो गाय को स्टडी करना। संसार में एक आप बात समझ लीजिए और वो ये है कि अगर किसी के लिए आपको कोई काम करना है तो उसके बारे में आपको सोच के काम करना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया ना, किसी के लिए भी आपको काम करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम एक मेहमान हुए, आपके घर में आए, ठीक है, अब आपको हमें क्या करना है, हमारे लिए अच्छा हो उसके लिए अरेंजमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, जो कि गलत है। आपको हमारे हिसाब से अरेंजमेंट करना है। अगर हमको पानी पीना है केवल, तो आप पानी ही पिलाइए, तो हमारी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। और आपने जो है ना दुनिया भर का पेय पदार्थ रखा जो हमको नहीं सूट करता, पर आपने अरेंजमेंट किया इसलिए कि हम खुश हो जाएं, तो गलत हो जाएगा मामला। हम जबरदस्ती पी जाएंगे, हाँ हाँ कर जाएंगे, लेकिन हमको तकलीफ हुआ ना फिर, क्योंकि वो हमको नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो करिए आप, तो मजा आ जाएगा, वो भले चाहे कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम गाय पालते हैं तो अपना दिमाग मत लगाइए कि हम टीन शेड बना दें, हम फर्श बना दें, हम ये सेटअप कर दें, हम वो सेटअप कर दें। उससे जाके पूछिए तुम कैसे में ठीक रहोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स बैंकर्स आते हैं विजिट के लिए। 2014 की बात थी जब हम अर्थ बम कंपोस्टिंग करते थे, तो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक के LDM आए, लीड बैंक मैनेजर। उन्होंने बोला यार हमारे पास बहुत अच्छा स्कीम आया है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमारे बैंक को एडवाइस भी करते हो, ट्रेनिंग देते हो, ये सब, हम आपको 2 करोड़ का स्कीम देना चाहते हैं, सेंट वर्मी कंपोस्ट करके एक योजना है। तो बोले वो स्कीम में आपको हम फायदा दिलाना चाहते हैं, आप ले लो, है ना, हम पास कर देंगे, हम ही को करना है। तो मैंने कहा साहब बताइए कैसे मिलेगी स्कीम। बोले साहब जो है ना कोटेशन चाहिए पड़ेंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और बिल देना पड़ेगा, तो हम कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका? तो बोले टीन सेट बनाइए, सीमेंट का कंक्रीट फर्श बनाइए, ये करिए वो करिए। तो मैंने कहा सर ऐसे कितने एग्जांपल हैं जिन्होंने ये बनाया और वो सफल हो गए, आपका EMI समय पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बोले यार ये तो पॉइंट की बात बोली, ऐसे तो बहुत सारे मामला गड़बड़ है, इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप ले लो, तो हम आपका एग्जाम्पल बता देंगे कि देखो ये बढ़िया है करके, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें सोचता है ना। तो मैंने कहा बस यही पॉइंट है सर, आपने जो स्कीम बनाई है या जिसने भी स्कीम बनाई है उसको ये नहीं समझ में आया कि केचुआ जो है ना खुले इन्वायरमेंट में केवल गोबर खाना पसंद करता, आपको आपका टीन सेट से उसको कोई नहीं लेना देना, आपके सीमेंट कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई नहीं लेना देना। अब क्या है ना, आपकी मजबूरी है ये सब सेटअप लगाना, तभी लोन मिलेगा। लोन मिल जाता बेचारा 2 करोड़ का लोन लेके आदमी केचुआ का सेटअप लगाया, अभी केचुए ने काम करना बंद कर दिया, उसको नहीं मालूम आपका कि 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसको गिनती से क्या लेना देना। अभी अर्थबम ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, वो सारा प्लान फेल हो गया, उधर बैंक परेशान, इधर आप परेशान, और उधर केचुआ तो है ही परेशान, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट नहीं चाहिए था, उसको कच्चे में रहना पसंद है, कॉन्क्रीट में रहना पसंद नहीं है। ऐसे गाय के साथ भी गड़बड़ करते हैं हम, गाय को टीन सेट लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बेचारी गाय जो है ना दुखी हो जाती है, कष्ट में रहती है, फिर वो दूध कम देती है। आपको क्या करना, हमेशा कॉमन सेंस लगाइए। बहुत सारी गौशालाओं को हमने देखा है, पहला क्या करेंगे, कॉन्क्रीट का फर्श बनाएंगे, कॉन्क्रीट के फर्श से गाय का पैर एक बार अगर फिसल गया तो वो इतनी सेंसिटिव होती है कि दोबारा वो जगह पे पैर नहीं रखेगी, या रखेगी तो डरेगी, बार बार सोचेगी कि मैं वापस ना फिसल जाऊं। आपसे ज्यादा सेंसिटिव होती है गाय, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो सूंघ के पता कर लेती है घास घास खाने लायक है या नहीं है। हम खाने के बाद टेस्ट करके थूकते हैं कि ये नहीं खाना, ये खराब है खाना, करेक्ट ना, तो हमसे ज्यादा सेंसिटिव है वो। तो क्या होता है ना, एक बार जैसे अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, आप एक खड्डे में गिर गए, एग्जाम्पल, अब आप बताइए जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे खड्डा याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में बैठ गया, इधर खड्डा है। अभी आप 2 साल बाद भी आएंगे ना, आपको याद आ जाएगा। ऐसी गाय का भी है, एक बार अगर वो फिसल गई कॉन्क्रीट पे तो उसको हमेशा स्ट्रेस बना रहता, और स्ट्रेस में वर्किंग डाउन हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो क्या करना, कभी भी कच्चा फर्श नहीं बनाना, उसका हम आपको ड्राइंग देंगे। जहां पर गाय बांधोगे वहां से लेकर 7 फीट आप हाफ फीट जमीन खोद दीजिए, उसका सॉइल निकाल के बाहर कर दीजिए, और उसमें आप सेंड भर दीजिए और हस्क भर दीजिए, हस्क मतलब भूसा,
राइस का भी हो सकता है, पैडी का भी हो सकता है, और भी कोई भी क्रॉप्स का हस्क हो सकता है, उसका मिक्सचर 50-50% भर दीजिए, गाय के लिए गद्दा फील होगा एवरी टाइम, वो उस पर मस्ती करेगी, बैठेगी, चलेगी, कभी फिसलेगी नहीं, यूरिन करेगी तो नीचे चला जाएगा, कीचड़ नहीं बनेगा, ये आपको करना। और 7 फिट के बाद 3 फिट आप कॉन्क्रीट कर दीजिए, तो गाय जब बैठेगी सुबह में उठेगी, पीछे यूरिन और गोबर करेगी, आराम से आपका गोबर यूरिन कॉन्क्रीट पे आ जाएगा, आप उठा के अपना यूज कर लीजिए। एक पॉइंट। दूसरा, जब ही सेट बनाए कोशिश करिए बैम्बू का कच्चा सेट बनाइए गाय के लिए, और हाइट मिड में 15 फिट रखिए, और चारों बाजू पूरा ओपन करके रखिए, कोई वॉल नहीं बनानी, कोई दीवार नहीं बनानी, टोटल ओपन, बस जमीन से 2-2.5 फिट उठा दीजिए, 2.5 फिट, और टोटल ओपन रहेगा। अब आप कहोगे साहब ठंडी में ठंडी लगेगी गाय, तो आप जूट का एक तिरपाल बनाइए और उसको शेड के ऊपर बांध के परमानेंट रखिए, जब भी ठंडी का वक्त आए उसको गिरा दीजिए, ठंडी नहीं आएगा, ठीक है। रेन में गाय का जो शेड होगा वो ठीक है, ऊपर हाइट 15 फिट रहेगा, अंदर गाय 3-4 फिट के बाद से ही बनना चालू होगा और वो पानी बाहर जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। और गर्मी अगर लगेगी गाय को तो गर्मी तो पूरा ओपन रहेगा, तो गर्मी तो सवाल ही नहीं है, ठंडी का केवल तकलीफ है, तो जूट का बोरा गिरा दीजिए, ठंड लगेगी गाय को तो बचेगी उससे, ये करना। तीसरा पॉइंट है, जहां पर आप खाना डालते हैं गाय को वो सरफेस जमीन से ऊपर नहीं उठाना। 99% गौशालाएं पूरे देश की रॉन्ग बनी हुई है, 99% बोल रहा हूं, 99%, ठीक है। बड़ी से बड़ी गौशालाएं क्या करते हैं, हम यूं उठा देते हैं 2 फिट ऊंचा, अब गाय को खाने में उसमें तकलीफ होता है, कैसे, अभी कॉमन सेंस लगाइए आप, गाय की गर्दन इतनी लंबी बनाएगी बराबर ना, आप उसको खुला छोड़िए, कितना ऊपर गर्दन करके खाती है, कितना ऊपर करके खाती है, नीचे से खाती है ना पूरा, है ना, एकदम नीचे गर्दन ले जाएगी जमीन में, उतना गर्दन उसका लंबा बनाया गया है कि वो जमीन से उठा के खा सके। अब आप 2 फिट उठा देते हैं, गर्दन को स्ट्रेस होता है, उदाहरण के तौर पे आपका हाथ इतना लंबा है, आप खाना किधर रखते हैं, इधर रखते हैं ना, आप इधर से उठाते हैं और यूं ले जाते हैं, करेक्ट ना, अभी थाली इधर फंसा दी जाए आपकी, अमेजिन कीजिए, आप खाना खाएंगे पर कितना तकलीफ में खाएंगे, स्ट्रेस में खाएंगे, अरे अरे है ना, ऐसे सही है कि नहीं है, वही गाय के हाथ साथ में हम कर रहे हैं, हमको समझ ही नहीं रहा है कि भैया गाय नीचे से उठा के खाती है, हम उसका फर्ज ऊंचा मत करें, नहीं तो गाय गर्दन सिंक्रोनाइज करेगी, उसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा मिल्क पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करना है फिर, नीचे से ही आप बनाइए उसको, साइड से जो है ना उसका खाना बिखरे ना, उसके लिए आप 1 फिट उठा दीजिए, इधर भी 1 फिट उठा दीजिए, पर जो खाना डलेगा वो जमीन के लेवल पे ही डलेगा, क्लियर हो गया, ताकि पूरा जो है ना टच करके गाय को खाने दीजिए। तो कुदरती व्यवस्था जो गाय की है वैसे ही अगर आप करेंगे तो गाय मजे से घूमेगी और खाना खाएगी, जहां पर आपका शेड होगा उसके साइड में ही ओपन ग्रेज लैंड होगा। एक गाय को 100 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए ओपन ग्रेज के लिए, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए ओपन ग्रेज के लिए, ठीक है। सो समझ लो, अगर हमने शेड बनाया और शेड में 5 गाय हैं तो 5 काऊ के लिए 5000 स्क्वायर फीट जमीन ये शेड से चिपक के ही होना चाहिए, ताकि गायों को छोड़ा और ओपन ग्रेज लैंड में वो अपनी मर्जी से बैठेंगी, उठेंगी, जो करना उनको करेंगी, ऐसे ये अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गायों के फॉर्म, ठीक है, गायों को खिलाना क्या चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं तो आपको सहूलियत होगी। देखिए अभी सबसे पहले नंबर हमें यहाँ पर 5 टाइप्स के जो ग्रेन्स हैं, 5 टाइप्स के ग्रेन्स को मिक्स करके उसका फॉडर बनाना, दलिया बनाना। बाहर का हमको दलिया नहीं चाहिए, है ना, बाहर का हम कैटल फीड वगैरह नहीं लाएंगे, क्योंकि उसमें यूरिया मिला होता है उस कैटल फीड में, ठीक है। यूरिया से जो है ना गाय दूध देने के लिए प्रेरित हो जाती है, सो बेसिकली वो जो है ना एक हार्मोन्स का काम करता है, और उसके बॉडी में लगातार जाने से जो गाय 10 बार बच्चा दे सकती है वो 4 बार दे के ही उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो उसका लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा रहे और उसका प्रेगनेंसी जो है ना कम से कम एक भारतीय गाय का 10-15 बार होना चाहिए,
मतलब हमारे पास दो तीन गाय है जिनका 16 बार हो चुका है, अभी भी वो गाय जिंदा है और बढ़िया है, हेल्दी है। तो लैक्टेशन पीरियड जो है ना उसका लंबा होना चाहिए, ड्राई पीरियड कम से कम होना चाहिए, और प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसका कम से कम मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 15 ईयर तो होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसका बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उससे मिल्किंग चाहिए तो एक हेल्दी डाइट उसको दीजिए। जैसा हेल्दी डाइट हम सॉइल को देंगे वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, वैसे ही हम गाय को हेल्दी डाइट दें वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो क्या करना, 5 टाइप्स के ड्रिंक्स को मिक्स करना है। पहला हमें लेना है इसमें ग्राम, कितना, 1 kg ग्राम। फिर प्लस इसी में लेना है आपको व्हीट, 1 kg। जवार, 1 kg। मेज, 1 kg। 1, 2, 3, 4 5 हो गया, 5 रहा। करेक्ट ना, ये 5 ग्रेन्स हो गए, फर्स्ट वीट, ग्राम, मेज, ठीक है, जवार और बाजरा। ये 5 ग्रेन्स को आप क्या करिए, एक साथ में मिक्सर कर दीजिए, मिला दीजिए, और फिर उनके पैलेट बना दीजिए, टुकड़े बना दीजिए, दलिया बना दीजिए, ठीक है। तो दलिया हमने बनाया, ये दलिये को आपको टोटल मिक्स करके टोटल देना है 500 ग्राम करेक्ट ना। सो ये हमें मिलाना, अभी ये कैसे करना है, ये एक मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बकेट है जिसमें हम गाय को फॉडर, ये फॉडर है जी, फॉडर, ठीक है। अब ये फॉडर में ये 500 ग्राम डाल देंगे इवनिंग को और 500 ग्राम मॉर्निंग। 500 ग्राम पका हुआ है, पका हुआ, पका हुआ, नहीं नहीं नहीं, 500 ग्राम ड्राई, फिर हमने उसे 2 लीटर वाटर में डाल के थोड़ा सा वो कर लिया, बॉइल कर लिया, दलिया बनाना। वो दलिये को लेकर, क्योंकि कच्चा खिलाएंगे ना तो गाय 2-4 दिन तो सूट कर जाएगी, उसके बाद फिर पेट खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। सो ये वाटर बना के इसमें डाल दीजिए। सेकंड हमको देना है हाफ, मतलब छोटा बच्चों के लिए क्या देना, ठीक है। अभी देखिए सेकंड है लाइन, चूना देना है गाय को, ठीक है। तो चूना कैसे देंगे हम, हमको 1 kg लाइन लेना है, 1 kg। अब 1 kg लाइम को मिला दीजिए आप 20 लीटर वाटर, लाइम स्टोन, ठीक है। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हमने इस मिक्सचर को 250 ml लेके इसमें मिला दिया, क्योंकि हमें देना है 25 ग्राम एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग, सॉरी 25 ग्राम मॉर्निंग एंड 25 ग्राम इवनिंग, एवरी डे 50 ग्राम लाइम देना है। ये लाइम एक्चुअली हम नहीं देते गायों को, इसलिए गायों को कैल्शियम का डिफिशियंसी होता है, एवरी काउ को कैल्शियम का डिफिशियंसी, इसलिए उसका हड्डी कमजोर हो जाता है और मिल्किंग बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम से ही मिल्क बनता है। अब हम कैल्शियम रिफिल तो करते नहीं है, गाय से दूध निकालते रहते हैं, तो कैल्शियम 4-5 बार गाय जन्मने के बाद उसकी बॉडी का पूरा कैल्शियम खत्म हो जाता है, अब फिर डिफिशियंसी हो जाती है उसको। डिफिशियंसी होती है हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो बेचारा हर मतलब कोई भी मेडिसिन में कैल्शियम का टैबलेट पक्का देगा, ठीक है। तो ये जो है हम बाद में टैबलेट फॉर्मेट में खिलाने की बजाय डाइट में उसको दें तो पूरा लाइफ उसको कैल्शियम का डिफिशियंसी नहीं होगा। तो तरीका ये है कि हम 25 ग्राम किधर वेट करेंगे, तो 1 kg लाइन को 20 लीटर वाटर में डिजोल्व कर लिया और 250 ml का एक नाप उसमें डाल दिया। जब हम फॉडर देने गए ऐसे ऐसे घुमाया, एक ग्लास मतलब वो लिया और इसमें डाल दिया, 25 ग्राम आ जाएगा फॉडर में, और गाय को डायरेक्ट चूना खिलाओगे नहीं खाएगी, इसमें मिला दोगे तो सब खा जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 देना है हमको एजोला ग्रास। ये एजोला ग्रास जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन रिच फॉडर है गाय के लिए, इसमें नाइट्रोजन भी रिच होती है नेचुरली,
सो आप इसको 250 ग्राम एजोला ग्रास को पानी में डाल के उसको ग्राइंड करके 15 लीटर वाटर में ऐड करके यूरिया के रूप में इंस्टेंट ग्रोथ के लिए प्लांट्स पे स्प्रे करके ले सकते हैं। 250 ग्राम ये लाइव यूरिया है, ठीक है। और गायों के लिए देने के लिए भी 250 ग्राम मॉर्निंग में और 250 ग्राम इवनिंग में आपको देना। तो ये एजोला ग्रास आप खुद बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, एक छोटा सा पिट बनाइए और ये पिट की हाइट जो है ना 1 फीट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग आप 12 टू 15 फीट रख सकते हैं और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 4 फीट रख सकते हैं। ये विड्थ है, ये हाइट है और ये लेंथ है, ठीक है। ये साइज का आप जमीन में खड्डा खोद लीजिए, उस पर पॉलीथिन डालिए, उसको पानी से 4 इंच भर दीजिए। 4 इंच पानी से भरना, इससे ज्यादा नहीं। ये है 1 फीट का, पर 4 इंच पानी भरेंगे। इसमें आप डालिए 2 kg जैगरी, 2 kg सॉइल और 2 kg कंपोस्ट। ये सब ये पानी में मिला दीजिए, मिक्सचर कर दीजिए और इस मिक्सचर में एजोला के सीड छोड़ दीजिए ऊपर थोड़ा सा। वो 1 वीक के अंदर पूरा बैग में एजोला एजोला भर जाएगा। पानी के ऊपर तैरता है, वो सैवाल है बेसिकली, समुद्री सैवाल है वो, ठीक है। लेकिन रिच प्रोटीन और रिच नाइट्रोजन बेस्ड है वो। एजोला सीड्स आपको लेना पड़ेगा, है ना, जो भी फार्मर कर रहे हैं उनसे, या आपको कहीं ना कहीं से बुलाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ, वो कभी, वो बाद में करेंगे बात, है ना, किधर मिलेगा कैसे। तो हमने 2 kg कंपोस्ट लिया, इसमें 2 kg जैगरी एंड 2 kg सॉइल। ये तीनों को 2-2 kg ये वाटर में मिला देंगे और फिर उसके बाद एजोला के सीड छोड़ देंगे। वाटर हमको 4 इंच भरना है, 1 फीट में 4 इंच वाटर का लेवल रहेगा। ये मिक्सचर करने के बाद जो है ना हमने वो कर दिया, एजोला छोड़ दिया। अब इसमें से 250 ग्राम एवरी डे इस पाउडर में मिला देना। एजोला ग्रास डायरेक्ट खिलाएंगे, गाय नहीं खाएगी क्योंकि वो स्मेल करता है, क्योंकि वो पानी में डिप रहता है। और उसको हम निकाल के थोड़ा देर उसका पानी, तो क्या करना, वो जो हलवाई जो होते हैं ना, जो छल्ली, हाँ, वो नमकीन बनाने वाले हैं, वो झारा लेके आना और इसी बकेट में यूं डालना और ऐसे उसका पूरा पानी यो यो करके 4-5 बार, अच्छा, ठीक है। और जाके फॉडर में डाल देना सीधा, ऐसे करना, तो गाय मजे से खा जाए। 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, शाम को, है ना, एवरी डे। अभी ये एजोला ग्रास हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुड़ देना है, जैगरी देना है। ये हमको देना है 250 ग्राम। अब देना है 5 लीव्स का पाउडर, तो क्या है, अश्वगंधा, अश्वगंधा बुरी का लीफ देना सर, लिख रहा हूँ। ये 5 चीजें देना है, अश्वगंधा लीव्स देना है, तो क्या करिए, अश्वगंधा लीव्स ले लीजिए 1 kg, 1 kg सतावर लीव्स, 1 kg मोरिंगा लीव्स, 1 kg तुलसी लीव्स और 1 kg मूसली लीव्स। इनकेस अगर ये लीव्स ना मिले तो ये डायरेक्ट मूसली, अश्वगंधा, सतावर, ड्रमस्टिक लीव का पाउडर, ये सब ले सकते हैं। इन सबको मिक्सचर कर लीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद ओनली 25 ग्राम मॉर्निंग एंड 25 ग्राम इवनिंग आपको देना है, ठीक है, मिक्सचर इनका।
सो क्या करिए, एक बार मिक्सचर बना के एक डब्बे में रख लीजिए, उसमें एक चम्मच डाल दीजिए, स्पून डाल दीजिए और एक स्पून निकाल के पाउडर में डाल दिया, खत्म। ऐसे ही लाइम का करना, एक ग्लास निकाला खत्म, एजोला ग्रास का निकाला खत्म, जैगरी भी उधर ही रहेगा, एक ड्रम में रहेगा, निकाला डाला खत्म, ऐसे करना आपको। या जैगरी को सीधा ये दलिये में डाल सकते हैं तो बढ़िया उसी में मैस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी लास्ट सिक्स नंबर पे हमें क्या देना है, इसमें हम देंगे अजवाइन। अजवाइन 50 ग्राम, मेथी 150 ग्राम। हाँ, ये वन टाइम का डोज है पूरा, जो भी लिखा मैंने एक टाइम का डोज है। ये अजवाइन 50 ग्राम, मेथी 250 ग्राम प्लस सॉल्ट। ठीक है, ये आपको अजवाइन लेना है, मेथी लेना 250 ग्राम, ये लेना ओनली 50 ग्राम अजवाइन, और 250 ग्राम लेना है ब्लैक साल्ट। इन तीनों को आपस में मिक्सचर करके भी एक डब्बे में रख लेते हैं, ठीक है ना, और एक बार में मतलब एक टाइम में आपको ये 20 ग्राम दे, ये 20 ग्राम इधर आ गया। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है ना। अभी हमने सबसे पहले नंबर 5 टाइप्स के ग्रेन को हमने पाउडर बनाया, वो हमने 500 ग्राम एवरी टाइम लिया, हमने लाइम लिया उसको 250 ml एवरी टाइम लिया, अजोला ग्रास 250 ग्राम एवरी टाइम, जैगरी 250 ग्राम एवरी टाइम, ये 5 लीव्स का मिक्सचर पाउडर 25 ग्राम ओनली, ठीक है, ये तीन चीज का मिक्सचर 20 ग्राम एक टाइम, ये सारा ले जाके आप पाउडर में बढ़िया मिक्स करके बना दीजिए। नहीं नहीं वो अलग चीज है, स्पिरुलिना अलग चीज है, अजोला अलग चीज है, मोस्टली नॉर्थ में दुर्गता ही है, व्हाइट मोस्टली सफेद। अजोला के आगे क्या है ये पूछ रहे हैं, अश्वगंधा लेकिन उठाना है बॉडी हेल्थ बोन्स ग्रोथ। हाँ, ये मैंने बोला ना, एक फिट ऊंचा पिट बनाएंगे जमीन के अंदर, अगर नीचे से पिच को फिर उसके खड्डे की लंबाई 12 से 15 होगी, ऊंचाई 1 होगी, चौड़ाई 4 होगी, विड्थ 4 होगा, उसमें प्लास्टिक का पतला शीट लगाएंगे, पानी भरेंगे 4 इंच ओनली 4 इंच, उसमें 2 kg कंपोस्ट डालेंगे पानी में, 2 kg जैगरी डालेंगे, 2 kg सॉइल डालेंगे, मिट्टी रेतला मिक्स करके एजोला की सीट ऊपर छोड़ देंगे, जो सीमेंट की ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगे, जो सीमेंट की जो आती है ना राउंड, उसमें वो भी कर सकते, सीमेंट का प्लास्टिक का वो भी लगा सकते, पर हाइट 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पानी 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये थंब रूल है। एजोला ग्रास होती, सैवाल होती, वो तो आप गूगल करेंगे आपको, पानी के ऊपर में फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर वाटर। ये सारा जो पाउडर है ये गाय को एक टाइम में आपको देना है, ये सुपर फूड है गाय का, ये देने के बाद गाय को जो डिसीज होती है जनरली, जिसके लिए हम परेशान होते हैं, या गाय अनहेल्दी हो जाती है, मिल्क कम देती है, ये सारी प्रॉब्लम रिपेयर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएंगी। हमने 2 लीटर वाली काऊ को 6.5 लीटर तक की बना दी, 2 लीटर वाली को मतलब 3 गुना उसका बढ़ा दिया, जो 6 लीटर दूध पे थी जो गाय, उसको हमने 14 लीटर तक लेके आ गए, जो गाय हमको 7-8 लीटर पे मिली थी वो गाय को 18 लीटर तक हम लेके आए, 18 लीटर तक। तो गाय की डाइट और उसके रखरखाव से हम 3 गुना 3 टाइम्स ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये एक ऐसी आइडल डाइट है, इसको देने के बाद तीनों जगह फायदा होने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले तो गाय खाएगी तो गाय को फायदा होगा इंस्टेंट,
वो कभी बीमार नहीं होगी, ना उसको जुकाम होगा, ना पेट खराब होगा, ना उसको मतलब है ना जो एक्स वाई जेड बहुत सारी डिसीज होती है वो सब 80-90% क्योर हो जाएंगी। करेक्ट। दूसरा, गाय को बेनिफिट्स हुआ तो उसका मेडिसिन हमारा बच गया, वो कॉस्ट बच गया। सेकंड होगा हम ह्यूमंस को फायदा, क्योंकि उससे जो मिल्क आएगा उसमें ये सारा कॉम्बिनेशन होके आएगा। करेक्ट ना, ये सब कुछ आएगा तो बैलेंस मिल्क होगा। बैलेंस मिल्क उसको मेडिसिन मिल्क नहीं सुपर मेडिसिनल मिल्क बोल सकते हैं। ये मिल्क पीने के बाद भी आदमी को अश्वगंधा, सतावर, सहजन, तुलसी, पता नहीं सब कुछ मिल रहा है, एकदम फुल न्यूट्रिशनल। ठीक है, तो आदमी को फायदा हो गया। अब फिर उसके बाद जो गोबर निकलेगा, जो काउडंग निकलेगा, वो जब कंपोस्ट बन के फार्म के अंदर जाएगा सो बैक्टीरिया को बहुत मजा आएगा, वो आपको इतना ब्लेस करेंगे बोलेंगे जिंदगी में किसी ने हमको अश्वगंधा नहीं चाहिए। इंसानों को खाने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, वही ना। तो देखिए एक तीर से कितना तीन जगह फायदा हो गया ना। अभी जब बैक्टीरिया मजे में आएगा तो वो प्लांट्स को मजे में लेके आ जाएगा। अब प्लांट्स मजे में आएगा तो फिर वापस हमारे पास आना, तो मजा तो घूम घूम के वो आना हमारे ही पास है। तो इसलिए ये फॉडर जो है ना गाय को हेल्दी भी बनाएगा, आपकी मिल्क की मार्केटिंग को भी बहुत इंप्रूव करेगा, क्योंकि अभी सभी लोग बोलेंगे A2 मिल्क है जी, A2 मिल्क, आप वो घुमा रहे हैं डंडा A2 मिल्क, A2 मिल्क। अभी गाय को खाना दे ही नहीं रहा, A2 मिल्क करेगा क्या? बात समझ में आ रही ना। इनकम्प्लीट फॉडर पेट में जाने से इनकम्प्लीट अन्यूट्रिशनल मिल्क मिल रहा है हमको, हमको पता ही नहीं है ये बात। अभी ये पूरा हमने टेस्टिंग वेस्टिंग कराया, कितना प्रोटीन, कितना ये, कितना वो, पूरा फुल डाइट गाय को मिल रहा। और जब फुल डाइट ये बैलेंस में मिलेगा तो चकाचक मतलब जो है ना गाय की हेल्थ भी मस्त होएगा, और उसके बाद उससे जो मिल्क आएगा वो भी बहुत एडिशनल मिल्क होगा। अब उसका आप घी बनाइए, आप उसका वैल्यू एडिशन करिए, आप उसका छाछ बनाइए, दुनिया भर का चीज बनाइए, वो सब मार्केटिंग के लिए हेल्प करेगा आपको। भाई हमारा ये अश्वगंधा प्लस घी है, अभी मार्केटिंग के लिए कितना सारा आपके पास पॉइंट है। अभी तो लोग बोलेंगे खाली देसी गाय का घी है, अगला बोल देगा A2 घी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है बोलने को, चाहिए कि नहीं है। अभी हम पहुंचेंगे आप फिर कहेंगे भारतीय नस्ल की गाय का घी है, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे A2 मिल्क है, फिर उसके बाद बोलेंगे फुल न्यूट्रिशनल डाइट का मिल्क है, फिर हम बोलेंगे इसमें अश्वगंधा भी है, सतावर भी है, मूसली, हम बोलना जब चालू करेंगे तो खत्म हो जाएगा मार्केट। ठीक है, ऐसे करके आप जो है ना इस काम को कर सकते हैं। इस पे हम बहुत मतलब अभी काम कर रहे हैं, हमारा 105 गायों का गौशाला के अंदर हम ये बनाते हैं, और घी जो है ना हमारा, हम पूरा दूध बेचते ही नहीं है, पूरा घी बनाते हैं, और घी हमारा अमेरिका में जाके जो है 3,000 से लेकर 6,000 रुपए किलो भारतीय मुद्रा के हिसाब से बिकता है। हम उसका 1900 रुपए केजी प्राइस रखे हैं, उतने में हम लोगों को वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जितना हमारा कॉस्टिंग गिरता है पूरा सब कुछ करने में, वो कॉस्टिंग पे हम अपना घी लोगों को देते हैं, और वो इतना मेडिसिनल घी है कि किसी भी बीमार पेशेंट के लिए आप खिलाइए तो उसका पूरा ठीक ठाक हो जाएगा फिटिंग, और मिल्क पिला दीजिए तो उससे भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एक जगह से, तीनों जगह से अपना बेनिफिट्स करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये डाइट आप फॉलो करिए, गायों को खिलाना चालू करिए। थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में टफ होता है, पर एक बार आपने कर लिया तो ये 6 मंथ के लिए बन गया। एक ड्रम रख लीजिए, उसमें जैगरी रख लीजिए जी, पुराना नहीं मिलता आप हमसे ले लीजिए, हम गुड़ बनाते हैं बहुत लार्ज स्केल में, ठीक है। सो हम आपको पुराना जैगरी दे देंगे, हमारे पास 10 साल पुराना जैगरी रखा हुआ है अभी, ठीक है। सो हम आपको पुराना जैगरी दे देंगे, एक ड्रम में रख लिया जी, अभी निकाल निकाल के खिलाइए उसको। फिर सेकंड जो है ना, ये लीव्स का पाउडर सब झमेला है, एक एक बार में बुला लीजिए, सब इकट्ठा करिए, पाउडर पिसा लीजिए, डब्बे में पैक करके रख लीजिए, 6 मंथ के लिए फ्री हो गया। लाइम एक बार बुलाइए, घड़े में डालिए, पानी में मिक्स करके रख लीजिए, 1 किलो नहीं 10 किलो का मिक्सचर बना लो, 200 लीटर पानी में मिला दो, और फिर बस 150 ml डालते रहो, 1 किलो 40 दिन के लिए होगा। 200 लीटर का मिक्सचर बना लिया तो कितने दिन के लिए होगा, सही है कि नहीं। तो ऐसे करके हम एक चीज को फिक्स कर लें और एक छोटा सा पार्ट्स में वहां रख दें, ये गायों का भाई फॉर्डर है, ठीक है, उठाया उठाया फटाफट मिलाया दिया दूर हो गया। ऐसे करके हम इजी कर सकते हैं इस काम को, अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आता है, और अच्छा मतलब घी खाने को मिलता है, अच्छा
बटर मिल्क मिलता है, अच्छा सब कुछ मिलता है, और जो फॉडर आता है उससे पावरफुल खाद बनती है, वो खेतों में डलती है, खेतों में अलग चमक आती है, फसल में अलग आती है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये कॉस्ट बढ़ेगा, ये लगभग अराउंड समझ लो कि 175 रुपीज का पड़ेगा ये बजट आपका पूरा विथ फॉडर, है ना, एक गाय को एक दिन का। लेकिन ये आपको रेवेन्यू दे जाएगी 600 पर एक दिन का। सो हमने खर्चा काट कूट के तब भी 300 रुपए एक गाय से एक दिन में बनाए आराम से, बहुत इजी वे में। अगर इस पे और कसरत कर ली, हमने वैल्यू एडिशन पे चले गए, थोड़ा मार्केटिंग में चले गए, थोड़ा और मेहनत कर ली, तो ये और भी मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, बढ़ने की बहुत चांसेस है। तो ऐसे करके हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप भी ये काम करिए, इससे हम सभी को फायदा होगा, मिट्टी को, पर्यावरण को, इंसान को, और आने वाले बच्चों को भी। अब आज की बातचीत को यहाँ पर विराम करते हैं, आप लोग खाना खाइए, कल हम लोगों दो तीन जो टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और शेड्यूल कैसा होगा वो मैं आपको बोल देता हूँ अभी। शेड्यूल हम कुछ लोग 9:30 हम लोग पहले झंडा वंदन कल करेंगे, सो एक घंटे का वो प्रोग्राम सेट किया गया है। सो झंडा वंदन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर, सो उनके हाथों से ही आपको हम सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, और वो जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपके साथ में 15 मिनट बात भी करेंगे, 15 मिनट, उनका एग्रीकल्चर के पूरे इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत गहरा अध्ययन है, बहुत लंबे समय से जो है ना उन्होंने बहुत स्टडी किया है, और वो हमारे सागर डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर भी हैं, और उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत मतलब अच्छे पर्सन हैं। सो उनके साथ में हम आपका 15 मिनट का टॉक, एक स्पेशल टॉक रखने वाले हैं, सो एक वो हो जाएगा, और फिर उन्हीं के हाथ से हम आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे, एंड फिर उसके बाद एक हमारा ग्रुप फोटो होगा। ये चारों प्रोग्राम एक साथ में एक घंटे के अंदर ये होंगे, ठीक है ना, एंड फिर उसके बाद हम अपने सेशंस पे आ जाएंगे जो हमें कंटिन्यू करना है। सो फिर हमारा सीड्स का टॉपिक रह गया, सो हम सीड्स लेंगे, सीड बैंक लेंगे, फिर आपको फूड प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, है ना, ये सब भी समझाएंगे, कुछ डेमो दिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग वाटर मैनेजमेंट पर, फिर इंसेक्ट पर, है ना, और फिर बायोडायवर्सिटी पर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कल हम लोग इवनिंग में जो है ना अराउंड 5 बजे के आसपास इस सेशन को क्लोज करेंगे। सो ये हमारा इस तरह से शेड्यूल है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभी मतलब डिनर लेके, या जो लोग अभी लिख सकते हैं, एक हमारे साथ में भाई कमलेश जी हैं, उनके हाथ में एक रजिस्टर है, रजिस्टर में आपको नाम लिखना पड़ेगा और चारों दिन का अटेंडेंस डालना पड़ेगा। तो जो लोग अभी डाल सकते हैं वो अभी डाल दीजिए, कुछ लोग खाना खाने के बाद इनके पास आके डलवा दीजिए, और कुछ लोग बच जाएं तो मॉर्निंग में डलवा दीजिए, सुबह में जल्दी, है ना, ताकि जो है ना हम उसी नाम से आपका सर्टिफिकेट बना पाए, ठीक है। तो जो भी आपका फुल नेम है, जो आप एक्चुअल लिखते हैं, है ना, जो यूज करते हैं, वो नाम आप उसमें ऐड कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, और चारों दिन का उसमें अटेंडेंस डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट कल आपको गेस्ट से देना, ठीक है। कोई भी नाम छूट ना पाए, कल सुबह 9 बजे के पहले सबका साइन उसमें हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अभी कर दीजिए, कुछ लंच के बाद, अभी डिनर के बाद, और कुछ बाद, ठीक है ना, ओके। हाँ, एक मिनट, एक सेशन और हम लोग कल रखने वाले हैं, वो हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे। सो अराउंड हम 4 PM तक हम अपना सारा क्लासेस बंद कर देंगे, एट 4 to 5 हम एक डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक घंटे का रखेंगे, उसमें हम इंडिविजुअली आपके साथ में बातचीत करेंगे। सो जिसका भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो मतलब पर्सनल नहीं, मतलब जो है ना एग्रीकल्चर टू रिलेटेड पर्सन, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम एक घंटे फिर डायरेक्ट आपके साथ बैठ के वो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कि साहब हमारे को ये प्रॉब्लम है, इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दीजिए, मुझे इसमें काम करना है। तो जिनको पूरा मन बन गया कि हमें इसमें आना है जी, हमें काम करना है जी, हमारा प्लान बना दीजिए, तो आप हमारे साथ बैठिए, हम अपने अनुभव के आधार पे आपका फटाफट चार्ट आउट कर देंगे 5 मिनट में प्लान, आपको क्या करना चाहिए और किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, किस क्रॉप में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एक घंटा हम लोग बाद में बैठे, पर आपके पास जब आप हमारे पास आए तो सॉलिड क्वेश्चंस होना चाहिए, सॉलिड एकदम, है ना,
हेल्दी गाय का गोबर कैसा दिखना है? हेल्दी गाय का गोबर गोबर दिखने में नहीं आएगा, मतलब नीचे गिरते वो मट जैसा होना या सॉलिड जैसा? सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और रिंग भी होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, रिंग के ऊपर रिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा है तो समझ लो गाय जो है ना, गाय का डाइजेशन फुल फिट है, और अगर पतला है तो समझ लो पेट में अनडाइजेशन है, रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कल 5 बजे अपना प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, एंड इसके बाद भी हम कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, सो ऐसे मत समझिए कि 4 डेज का सेशन ही कंप्लीट इनफ है, इसके बाद हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है भारत को विषमुक्त बनाना, हर थाली में विषमुक्त अन्न पहुंचाना, और इसके लिए हमने अपना सब कुछ पूरा जीवन और टाइम सब कुछ जो भी हमारे पास है जो भी आएगा वो सब इसके लिए समर्पित कर दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारा टाइम और हमारा उपयोगिता कैसे कर सकते हैं, है ना, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी। अब ये हमको डिसाइड नहीं करना, हमने बोल दिया आपको जब मर्जी आए आप हमको कॉल कीजिए, जब मर्जी आए आप व्हाट्सएप पे जवाब पूछिए, जब मर्जी आए आप फार्म पे हमारे सागर आइए, जो है पर करिए इस काम को कैसे भी। ठीक है, आपको 1 साल पूरा घूमना है, आप पहले घूमिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी बना के उतरिए, क्योंकि भारत को इस चीज की बहुत जरूरत है। हम सब लोग अगर मिलके इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो आने वाली जनरेशन से हम कोई उम्मीद मत करें, है ना, फिर हम जो है ना आने वाले समय में कहीं इधर से खाना बुलाएंगे, कहीं उधर से, हम बस ऑनलाइन खाना बुला के अपना पेट भरेंगे और जीना है, ऐसे हमको नहीं करना है, हमको अपने भारत के गौरव के साथ में जीना है और उसी गौरव के साथ में मरना है। ठीक है, सो कभी भी अभी सीट्स देखिए बहुत थोड़े हमारे पास कुछ है, कुछ डेमो में दिखाने के लिए लेके आए, तो भाई कमलेश जी से आप कॉन्टेक्ट करिए, हम जब सीट का आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जो जो सीट्स होंगे वो बता देंगे आपके पास देने को, तो वो आप उनसे ले सकते हैं, बाद में होना तो क्या तेरे सीट्स वो सब मिल जाएगा आपको, बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारी उपयोगिता कहीं पर भी किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, काम को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन आती है, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर वो हमसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करते कभी भी। अब इवन कई बार क्या होता है, आपने फोन लगाया इनके सामने नहीं उठा पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं और आपसे बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि हम अभी किसी प्रोग्राम में हैं, फोन देखेंगे और फोन लगाएंगे, क्योंकि हमारा वही काम है, खाना खाने के बाद, नहाने के बाद, 2 काम करने के बाद तीसरा हमारा कोई काम नहीं है, वही काम है, हम दिन रात उसी में रहते हैं, हम इधर से आपकी क्लास छोड़ के जाते हैं, अंदर जाते हैं और हम फोन पे सारा काम निपटाना चालू करते हैं, एक फोन पे कॉल करते हैं, एक फोन पे व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं, एक दिन में 1000-1000 लोगों को हम जवाब देते हैं। तो आप भी अपनी बात तरीका है व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, इमरजेंसी एक मैसेज डाल दीजिए और इमरजेंसी एक मिस कॉल डाल दीजिए, आपको 3-4 घंटे के अंदर हम रिप्लाई करेंगे, कॉल देख के तुरंत करते हैं, मतलब हम दूसरे दिन कॉल को नहीं ले जाते, पहले दिन के कॉल उसी दिन निपटाते हैं। सो जो है ना आप यूज करिए कुल मिला के, है ना, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो ये आपको लेकिन करना है काम। ठीक है, आप काम करेंगे तो मजा आएगा। 9179066275 ये नंबर है हमारा, ये नंबर पे शाम को 8 से 10 के बीच में आप कॉल करिए, आराम से बातचीत करिए, और व्हाट्सएप आप कभी भी छोड़िए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि 2-4-6 घंटा या 1-2 दिन में मिले, लेकिन मिलेगा। सब कुछ नीचे रहे, नीचे रहे। 9179 इधर पे भी लिख देता हूँ, 9179066275। टाइमिंग सर 6 to 10। हाँ, इवनिंग 8 to 10 एवरीडे बात करने का सही समय है, और बाकी व्हाट्सएप पे आप कभी भी सवाल छोड़िए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है ना, तो हम सब लोग मिलके भारत को विषमुक्त बनाएंगे और जैविक बनाएंगे, निराशा अपने साथ लेके ना चले, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नुकसान होता है, नफा भी होता है, सब कुछ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, लेकिन पेशेंस के साथ इस धंधे में अगर हमें मतलब आगे बढ़ना है, थोड़ा टिकना पड़ेगा, और टिकने का टाइम है 3 ईयर, बस 3 साल टिक गए तो आप फिर चल रहे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बातचीत को विराम करके कल मिलेंगे।